स्वामी जी, ये तो सब ने क्लियर कर लिया है कि मंदिर में भगवान है, अच्छी तरह से श्रद्धा फिट बैठ गई है, लेकिन आपके विज्ञान से ऐसा कुछ बताइए कि भाई मंदिर में नहीं, हर इंसान हर प्राणी के अंदर भगवान विराजमान है, तो इसके लिए आपकी नई दृष्टि, नई राह में, नई दृष्टि, नई खोज में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है, बात तो सही है, क्या विश्व के 90-95% पीपल अलग अलग प्रकार के नामधारी रूपधारी भगवान को मानते हैं, भगवान के रूप में। हम जैसे उदाहरण देंगे तो राम है, कृष्ण है, महावीर है, शिव है, स्वामीनारायण है, और बहुत सारे दादा भगवान को भी नाम बताया गया। इसके अलावा क्राइस्ट है, पैगंबर है, तो ऐसे भी लोगों को लोग भगवान कहते हैं या गॉड ऑफ सन कहते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं, तो ये कहते हैं लोग। मगर वास्तव में भगवान व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ, उसमें आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल मैं चार प्रश्न करूँगा, इनका मैं उत्तर दूंगा, उससे ही आपको मालूम हो जाएगा कि भगवान वास्तव में कौन है। पहला प्रश्न है, भगवान नामी होते हैं या अनामी होते हैं? जिसका नाम है इसका नाश है, इसलिए भगवान नामी नहीं होते हैं, अनामी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भगवान रूपी होते हैं क्या अरूपी होते हैं? जो रूप है उसका भी अंत है, इसलिए भगवान अरूपी होते हैं। सबसे पहले भगवान अनामी होते हैं, दूसरा उत्तर है भगवान अरूपी होते हैं। तीसरी बात, भगवान जन्म मरण वाले होते हैं या तो अजन्म अमर होते हैं? तो भगवान परमानेंट है, इसलिए उसका जन्म मरण नहीं होता है, तो भगवान अजन्म अमर होते हैं। और चौथा और अंतिम प्रश्न, भगवान टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होते हैं? तो टेम्पररी जो होते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, महावीर है, शिव है, स्वामीनारायण है, वो पैदा हुए और उसका अंत भी हो गया, तो भगवान टेम्पररी होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो चार प्रश्नों का जो उत्तर है, भगवान अनामी है, भगवान अरूपी है, भगवान जन्म मरण से पर है, और भगवान परमानेंट है। ये चार प्रकार का उत्तर जो है, वो उत्तर कोई व्यक्ति को लागू नहीं होता है। यानी सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो भगवान कोई व्यक्ति हो नहीं सकती है। तो भगवान हम किसको कहेंगे, जिसको ये चार प्रकार की क्वालिटी लगती है, इसको हम भगवान कहेंगे। मगर किसको कहेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो भगवान कहेंगे आत्मा को, अपने शुद्धात्मा को हम भगवान कहेंगे। जो शुद्धात्मा है वो नाम नहीं है, शुद्धात्मा का रूप नहीं है, शुद्धात्मा का जन्मरण नहीं है, और शुद्धात्मा परमानेंट है। यानी आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है, और उसी को भगवान मानना ये अंतिम सत्य है। और व्यक्ति के रूप में भगवान किसी को मानना ये बाह्य सत्य है, सामाजिक सत्य है, धार्मिक सत्य है, टेम्पररी सत्य है। टेम्पररी सत्य से हम सनातन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हाँ, मगर पापों से बच के पुण्य के मार्ग में हम आगे जा सकते हैं। मगर जब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको एक दिन व्यवहार सत्य से ऊपर उठ के सनातन सत्य, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, वही भगवान है और वही परमात्मा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और उसी बातों को लेके हमको भविष्य में आगे बढ़ना पड़ेगा।